आने वाले गाइस हम लोग चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे राम मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है और हमारे राम मंदिर कितना ही खूबसूरत सज चुका है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्लिप में भी दिखाया है गाइस, तो ये देख लो एक बार और। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे भक्तजनों की कितनी लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे देख सकते हो हमें तो प्रभु श्री राम दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा राम जी का मंदिर और देख रहे हो कितना ही ज्यादा ऊंचा कर रहे हैं, फिर भी आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। हनुमान जी के मंदिर में भी काफी अच्छी खासी भीड़ है और नारियल फोड़ फोड़ के लोगों ने तो यहाँ पे देखो नारियल के छिलके का भंडार लगा दिया। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितने ही सारे लोग हैं, मंदिर पूरा एकदम भर चुका है। दोस्तों ये हमारे श्री हनुमान जी का मंदिर जो कि कितना ही ज्यादा भक्तों से भरा हुआ है। और चलो गाइस आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यार इतने ही ज्यादा भीड़ लगे, इतनी भीड़ लगी ना कहीं पे मंदिर में आपको एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ना बहुत है गाइस। और चलो आपको आगे की और बाकी के सारे मंदिरों को दिखाते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। वो भी इतनी कड़ी हुई है ना यार, पांव रखने में भी हमें सोचना पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारे श्री शिव जी का मंदिर जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा उनका सब परिवार उपस्थित है। शिव जी, पार्वती जी, गणपति बप्पा और सभी लोग देखने को मिलेंगे। और चलो अभी आपको लेके चलते हैं हमारे श्री दुर्गा जी के मंदिर के पास। तो चलो गाइस देखते हैं। देख सकते यहाँ पे हमारी देवी माँ का 16 श्रृंगार हो चुका है और यहाँ पे 9 देवियाँ जो है यहाँ पे उपस्थित है। देख सकते हो दोस्तों कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारी दुर्गा माँ का मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हो तो बोलो शेरों वाली मैया की जय। तो गाइस चलो अब यहाँ से हम लोग बाहर की ओर निकलते हैं। फोटोज खिंचाने के लिए लोग ना बहुत अच्छे से आते हैं यार, यहाँ पे जो सीढ़ियों वाला सीन है ना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो गाइस चलो आपको आगे की ओर और लेके चलते हैं। हमारी ब्लॉग में कंटिन्यू रही है साइकिल गर्ल कृति के साथ। जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो है सभी लोग जो अपने झंडे को सजा रहे हैं और यहाँ पे अब ये लोग ले जाएंगे झंडे को लगाने के लिए। पंडित जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है सबकी। तो चलो दोस्तों क्या आपने देखा हमारे श्री शिव जी का मंदिर, तो ये देख लो दोस्तों। और यहाँ पर सामने है हवन कुंड जहाँ पे होता है हवन करेंगे। और हमारे महादेव जी को कैसे भूल सकते हैं यार हम लोग। तो देखा गाइस आपने किस तरह हमारे महादेव भी जो एकदम फूलों से लदे हुए हैं। और चलो दोस्तों आगे की ओर। और गाइस अभी जितनी भी आपने झंडे देखे ना वो सारे झंडे यहाँ पे लगने वाले हैं। तो चलो आपको दिखा देती हूँ मैं थोड़ा। तो गाइस देख सकते हो सभी लोग जो है ना यहाँ पे जो है अपने ध्वज को लगा रहे हैं और देखो कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत से लोग जो यहाँ पे झंडे लेकर के जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो यार। और यहाँ पे चलो हम आपको और भी दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शिव मंदिर। चलिए तो दोस्तों ये तो हमारा आज का पूरा ब्लॉग होगा। आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यू टेक केयर गाइस, आई लव यू ऑल, बाय बाय। एंड बोलो जय श्री राम।